चोर से ही करती है। उन्होंने कहा कि एक साइकिल चोर हर व्यक्ति को साइकिल चोर ही समझता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो पागल हो जाता है तो कुछ भी बोलता है। अभी आपने उनको देखा कि ताजमहल पे बयान दिया तो वो मानसिक संतुलन खो बैठे, क्योंकि उनका इतिहास है। वो जैसे साइकिल चोर होता है, दूसरे को साइकिल चोर समझता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। रोहित, तमाम तरह के बयान दिए हैं सुरेंद्र सिंह ने अलग अलग लोगों के लिए, लेकिन लगता है ओम प्रकाश राजभर पर बयान देने के बाद वो फंस गए। बिल्कुल उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की शैली में राजभर ने भी पलटवार कर दिया। देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो ऐसे नेता हैं जो अगर उनको कोई जवाब न दे उसको भी वो घेरे रहते हैं जी। तो जिन्होंने उनको कह दिया तो भला वो चुप कैसे रह सकते हैं, उनका बाकायदे जवाब मिला है। इससे पहले कल उन्होंने कुत्ता भी कहा था, आज उन्होंने फिर उनको साइकिल चोर भी कहा था। तो कहीं ना कहीं नेताओं में ये जो जुबानी जंग जिस तरह से अब शब्दों की शुरू हुई, ये दुर्भाग्य की बात है। कौन क्या कहता है क्या नहीं ये अलग मैटर है, लेकिन इससे ज्यादा दुर्भाग्य की ये बात है कि दोनों ही सरकार के अंग हैं। एक मंत्री है तो एक विधायक है, ये बात अलग अलग है। दोनों अलग अलग दल से हैं, दोनों लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, विकास की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन ये अब शब्दों की राजनीति कर रहे हैं अपने आप को ऊंचा दिखाने में। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो कम से कम इन पे ने लगाम राजभर पे चुकी है, सहयोगी दल इन पे नहीं लगाम पा रहा है, लेकिन कम से कम अपने विधायक पर तो लगाम लगा ही सकता था, लेकिन उसको करने में विफल है, जिसके कारण यह हास्यास्पद स्थिति हो रही है कि दोनों नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की तरीके के शब्दों में लगा रहे हैं। रोहित, इस बाबत क्या, जब उन्होंने पलटवार किया था सुरेंद्र सिंह पर, तो ओम प्रकाश राजभर से आपने जाना कि क्या इसकी शिकायत करेंगे कि सुरेंद्र सिंह की शैली लगातार बिगड़ती जा रही है, क्या इस बाबत कहीं शिकायत करेंगे? देखिए, इस बारे में भी हमने पूछा क्या नेतृत्व से शिकायत करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, अगर कोई नेतृत्व में भी किसी से बात होती है तो शिकायत करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को बहुत गंभीर भी नहीं लेते हैं जो कब क्या बोल रहे। तो उन्होंने दोनों बातें कही कि शिकायत भी करेंगे, उसको गंभीरता से भी नहीं लेते हैं, लेकिन ये बात है कि ओम प्रकाश राजभर की अपनी शैली है, वो पलट के जवाब तुरंत देके हिसाब किताब कर देते हैं, तो उन्होंने हिसाब किताब भी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए रोहित सिंह। और मुजफ्फरनगर की खतौली को